हाइमन रिपेयर किया गया है और दो टीयर थे, एक 5 o'clock पोजीशन पे और दूसरा 7 o'clock पोजीशन पे। 7 o'clock पोजीशन पे कंप्लीट टीयर, 5 o'clock पे पार्शियल टीयर था। तो दोनों को रिपेयर कर दिया है और उनका वीडियो बना के, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को दिखा दिया वीडियो बना के बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हाइमन रिपेयर में कि आप पेशेंट को ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि उससे उसको हमेशा के लिए विश्वास भी हो जाता है और वो उस टेंशन में नहीं रहती जब तक उसकी शादी नहीं होगी, ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये पता करने का कोई तरीका नहीं है। आपको दिखाई तो देता नहीं है एरिया, या आप इसकी फोटो लोगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम उसमें वीडियो में बताते हैं कि ये एरिया है जिसको हमने रिपेयर किया, तभी वो समझ में आता है। अदरवाइज हाइमन रिपेयर, बहुत से पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं कि हमने किसी डॉक्टर को दिखाया। देखिए, हाइमन रिपेयर सैकड़ों तो हम रिपेयर कर चुके हैं, हाइमन देखने से कभी पता नहीं लगता कि उसमें कहाँ टीयर है। वो तो जब उसमें आप एनेस्थीसिया दोगे, सुन करोगे, उसको फुलाओगे, तभी टीयर नजर आएगा, नहीं तो टीयर नजर नहीं आता, अनलेस अंटिल वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो और मिस हो जाते हैं एक दो टीयर। तो इसलिए किसी को भी डॉक्टर को ऐसे देख लेना या किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने देख लिया कि जी हाँ टीयर है, वो गलत है, नहीं दिख सकता। तो हमने इनका किया है, कोई थोड़ा सा वजना तो ठीक थी, कोई उसमें लूजनेस नहीं है, हैमन रिपेयर कर दिया। लेबिया थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपको बोदर नहीं करती तो उसे करनाने की जरूरत नहीं है।